आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बोटिम एप्लीकेशन में अगर कोई मैसेज डिलीट हो चुकी है आपके तो उसे आप किस तरह से रिस्टोर करोगे, बैकअप उसका किस तरह से लिया जाता है या फिर रिस्टोर कैसे किए जाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, इसके लिए बोटिम एप्लीकेशन खोलना है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए। तो बोटिम ऐप को खोलने के बाद आपको उस कॉन्टैक्ट नंबर पर चले जाना है जिसको आपको जिसके चैट वगैरह बैकअप करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर हमें जो भी कॉन्टैक्ट्स है उसका यूज़ करना है, क्लिक करना है उसके ऊपर। क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन आपके लिए मिलते हैं जैसे सर्च चैट हिस्ट्री, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, चाहे हिस्ट्री के ऊपर जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपको डेट आती है, मीडिया आती है, फाइल्स, लिंक्स, मेनी प्रोग्राम वगैरह कुछ भी है, ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई फ़ोटो चली गई है तो आप उसे बैक लाना चाहते हैं तो यहाँ पर मीडिया के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो भी मीडिया है वो शो हो जाएगी, लिंक्स है तो लिंक होगी, फाइल होगी तो वो होगी। तो फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं, तो यहाँ पर नो दिखा रहा है। बाकी आप इस तरीके से जो है रिस्टोर कर सकते हैं डिलीटेड फाइल्स या फिर जो भी रिलेटेड आपका डेटा हुआ है, चैट्स हुए हैं, जो भी है, आप उसके जस्ट डेट के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस डेट को आपके कौन कौन से मैसेज वगैरह आए थे वो सारी यहाँ पर आ जाता है।